किसी से बताना नहीं कि सेल लगा हुआ 300 का जाइए ऊपर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ सरोजनी, और मैंने बहुत सुना है सरोजनी में ये, सरोजनी में वो, तो मैंने सोचा चल के आज एक्सप्लोर ही कर लिया जाए। तो मैं आ गई हूँ यहाँ, लेट्स सी यहाँ क्या मिलता है, किस रेट का मिलता है। चलो बाहर सरोजनी के बाहर जो लेंस है उनमें ये मिल रहा है 100 रुपीज के ना, मतलब कोट्स बाहर। एंड आज सैटरडे, उस हिसाब से काफी ज्यादा भीड़ है बाहर। ये स्वेट्स मिल रहे हैं हमें 50 रुपए के, क्वालिटी भी मतलब नॉट बैड सी लग रही है, बस बहुत ढूंढना पड़ेगा इसमें से। बूट्स मिल रहे हैं छोटे वाले 600 और लॉन्ग वाले 800। अच्छा है, दिखाओ। जैसे कि आज सैटरडे है तो यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड हो रखा है। हाई कॉन्टर हो चुके हैं सरोजनी में। हम कौन से गेट नंबर से आए हैं? हाँ, गेट नंबर 3 से आए हैं। देखते हैं यहाँ से कैसा क्या मिलता है। यहाँ तो लग रहा है कोई मेला लगा है, तो सिंह ऐसा लग रहा है कि मेरा लगा है, क्योंकि यहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, बस चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, पता नहीं। टिकी स्टॉल्स हैं यहाँ पे, हम लोग का सर आ रहा है। रेड की स्कर्ट्स है, मिनी लॉन्ग साड़ी, शॉर्ट कुर्तीज हैं। कैसी लग रही है? क्यों में जीन्स मिल रही है 250। डेढ़ सौ वाले झुमके यहाँ पे ओनली 60 के मिल रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? गेरो गेरो जितने मर्जी उड़ेगा, पैसे देना बस। और सिर्फ 60 रुपीज हमें झुमके मिल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ले ही लेते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले आ गए हैं, तो सब लोगों ने अपनी अपनी स्टॉल्स जो है हटा लिया। भैया नाम फेमस कर दिया तू यार। माय डियर, मैं इतना मत हंड्रेड के क्या भाई, एक बार बोल तो सही। वो वाला पे बोल दो ना, वो वाला डायलॉग। अरे नहीं बोल रहा, तेरा कट्टा कटा बहुत अच्छा है। कैसे लग रहे हैं? ठीक, 100 रुपीज का मिल रहा है ये का बोल दो। 60 रुपीस के मिल रहे हैं ये स्वेट्स। शॉर्ट्स है कितने की? 350 की। अच्छा, प्लेन दे दो 100 के 5, जल्दी दे दो। आप हमारी कैमरे में 100 के 5 दे दो। अरे चलो भैया ने 100 के 5 दे दिया है। रोशनी में चलती है भयंकर वाली मार्केट, भयंकर वाली। हमने आगे से 60 रुपीज की इयर रिंग यहाँ से फट के ब्लैक दे दो। ये जीन्स की शॉप पे आए हैं हम, यहाँ पे 300 से जीन्स स्टार्ट है, मिला है 250 का। क्या प्राइस है पैंट्स का? क्या 450 तक आए हैं तक। यहाँ 200 की स्कर्ट्स मिल रही है, दिखाओ तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है। हाँ इट्स नाइस, वो सच्ची बहुत क्यूट है। में टॉप्स, स्वेट्स, सब कुछ मिल रहा है। अलग अलग नॉट बैड। क्या हम थक गए थे तो हम खाने के ब्रेक पे रुके हैं। मोमोज और आलू टिक्की छोले लिए है, नहीं टिक्की छोले लिए है, खा लिया है। और अब हमें वापस एनर्जी आ गई अच्छे से शॉप करने की, तो नाउ वी विल कंटिन्यू। यहाँ 150 की पैंट्स मिल रही है हमें। पुलिस के डर से पूरा मार्केट खाली हो चुका है, फिर से सारी स्टॉल्स अंदर आ चुकी हैं। पुलिस के डर से फिर से पूरा मार्केट खाली हो चुका है, सारी स्टॉल्स इन लोगों ने अंदर रख दी है। एज ऑलवेज दिन में 10 बार होगा होगा ये तो। साइड में ड्रेसेस मिल रही है यहाँ पे, सारे ब्लैक कपड़े हैं। एंड इसको उसमें एक और लिस्ट में ऐड करना है ये लेके, तो क्या कहना है आप लेना चाहेंगी? रेट बता दो। चलो
चलो अब स्टार्ट हमें स्कर्ट्स मिल रही है यहाँ पर गुची माइकल कॉर्स सब कुछ मिल रहा है 350 रुपीज का हमें हाफ जैकेट मिल रहा है तो नंदनी को सुंदर लगा है चूड़ीदार पैंट्स मिल रही है ओनली 4 रुपीज 200 100 रुपीज में स्कर्ट हमें एक शॉप मिला है जहाँ का पूरा स्टॉक 100 में दे रहे हैं ये लोग ऊपर सेल लगा हुआ है किसी से बताना नहीं कि सेल लगा हुआ 300 का जाइए ऊपर चलो अब तो ऊपर चलना ही पड़ेगा हम लोग घूम घूम के थक चुके हैं और जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले इसका स्पेक्स खुलता है चेन्नई हाँ तो गाइस घूम के थक चुके हैं बट अब हमें कुछ नहीं मिल रहा और ये भैया हमारे पिछले दिनों करने पापड़ ले लिए थे भैया चेन नहीं चाहिए क्योंकि हाथों ना लोग मतलब पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाई 100 का 6 ले लो नहीं 50 का 6 ले लो सब ले लो 80 रुपीज में बहुत सारे 1 पीस मिल रहे हैं बहुत क्यूट क्यूट से इसकी दुकान पे देखने आए थे और यहाँ इसने अपना घर बना लिया है ये फुटवेयर मिला है हमें 200 का ठीक है बताए भैया नहीं है तो नंदनी ट्राई कर लिया के ब्लेजर्स मिल रहे हैं यहाँ काफी सारे बट क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लग रही है 50 रुपीज में यहाँ बहुत सारे ब्लेजर्स मिल रहे हैं हमें पैंट्स मिल रही है यहाँ पे जो कि बहुत अच्छी है गाइस तो हम लोग सरोजनी से बाहर आ चुके हैं एंड मतलब इतना बड़ा था कि हमें घूमने में इतना टाइम लगा अप्रॉक्स 3-4 आवर्स हमें हो चुके हैं उसके बाद हम लोग बाहर आए हैं वैसे हमने खाने का ब्रेक भी लिया था 10-15 मिनट्स का था वो बस अभी मुझे लग रहा है मे बी हमने बहुत शॉप स्किप करी होगी क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टफ रहता है कि मतलब सब शॉप विजिट करना इम्पॉसिबल हो जाता है ऊपर से क्राउड इतना रहता है बट हमने एक चीज़ नोटिस करा कि जब अगर हम जल्दी आते हैं तो ज़्यादा क्राउड रहता है हम लोग 4-5 बजे के आसपास आए तो वो परफेक्ट था क्योंकि जैसे जैसे लेट होना था तो क्राउड कम होता जा रहा था बट जैसे अभी सुबह आते तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता था फिर अब आ रहे हो सैटरडे संडे को थोड़ा शाम के टाइम में वो क्राउड काफ़ी कम मिलेगा जब मैं सेक्टर 14 के मार्केट गई थी ना तो उसमें मेरे को सब चीज़ें 100, 150, 200, 250 इतने की मिल रही थी बट यहाँ पे लेजेट 30, 50, 60, 80, 100 बस मैक्स 100, 200 का स्टफ मिलता है इससे ज़्यादा अगर बोल रहे हैं तो आप लोग आराम से बार्गेन करवा सकते हो लोग मतलब ऐसे छुटकियों में बार्गेन कर देते हैं स्कर्ट 350 की थी जो मेरा मेन फोकस था बट वो भी अगर बार्गेन कराओगे तो काफ़ी कम रेट में मिल जाएंगे हम लोग सरोजनी से सीधा INA मार्केट आए हैं कुछ खाने एंड यहाँ हमने लिए हैं दही के शोले दिखाई जरा फेमस शॉप से मैं शॉप दिखाती हूँ मैंने भी यूट्यूब पे देखा था एंड काफ़ी सुना था इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे खाने आए हैं टेस्ट कैसा है अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट तो आप भी अगर सरोजनी आते हो तो वहाँ से ऑटो में करके 50 रुपये लगेंगे INA मार्केट आने के एंड यहाँ पे आके दही के शोले ज़रूर खाना मार्केट भी काफ़ी बड़ा है खाने का मार्केट छोटी छोटी शॉप मतलब काफ़ी कुछ है ऐसे देखने लायक तो और इसने एक और दही का शोला ले लिया इसको इतना टेस्टी लगा मैंने भी टेस्ट किया मुझे ठीक लगा बट मुझे खानी है पाव भाजी हमें पूरे INA मार्केट में कहीं एक जगह पाव भाजी नहीं मिली हमने पूरा 2 बार ढूंढा बट कहीं भी पाव भाजी नहीं थी तो अभी हम हमारे वो मतलब एक जगह मिली थी वो देखने लायक मिली थी वो काफ़ी गंदी थी तो मैं उसको ना ही कंसिडर कर रही हूँ तो फिर अब हम सीधा यहाँ से जा रहे हैं हमारे गुड़गांव और वहीं से कहीं हम खाएंगे पाव भाजी क्योंकि पाव भाजी तो खानी ही है खानी पड़ेगी हम लोग आए हुडा मार्केट सेक्टर 46 का क्योंकि हमारे घर से नियरेस्ट यही था अब हम यहाँ पे खाएंगे डोसा और पाव भाजी लोग डोसा ले रहे हैं बाहुबली डोसा से पाव भाजी आ गई है हमारी लेट्स ईट पाव भाजी देखते हैं कैसी है टेस्ट करके रिव्यू देते हैं मतलब
उदयपुर की पंडित पाव भाजी वाला टेस्ट तो नहीं है, बट ठीक है। तो पाव भाजी खा ली हमने एंड अच्छा अच्छा हो गया। और हम डोसा पहले बाहुबली में खाने वाले थे, बट वहाँ कुछ पंगे हो गए भैया के साथ तो हमने वहाँ नहीं खाया एंड हम कहीं और आके खा रहे हैं। बैठ के उस स्क्रीन टाइम थोड़ा बैठने गए तो यहाँ बैठ के हम डोसा खा रहे हैं। सो हाय गाइज, आई एम बैक होम। ये था मेरा आज का सरोजनी नगर व्लॉग। ऐसे और व्लॉग्स देखने के लिए डू सब्सक्राइब मी एंड मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाती रहूँगी, लाइक हॉल, क्लोथिंग हॉल, फुटवेयर हॉल और ऐसे बहुत सारे हॉल जो मैं करती हूँ मैं और लाती रहूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, ऑल्सो डू सब्सक्राइब। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।